नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टोयोटा और मारुति सुजुकी की नई कॉम्पैक्ट SUV के बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि टोयोटा और मारुति सुजुकी ने एक दूसरे के साथ टाइप किया है, जिसके तहत कि दोनों अपनी गाड़ियों को एक दूसरे के साथ शेयर करेगी। उसी के तहत ही टोयोटा मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो को अपने यहाँ से ग्लेंजा के नाम से सेल करती है। इसके अलावा मारुति की एक और सब कॉम्पैक्ट SUV विटेरा ब्रेजा को भी टोयोटा अपने यहाँ से अर्बन क्रूजर नाम से सेल कर रही है। अब ये दोनों मिलकर हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से कंपटीशन के लिए अपनी एक नई कॉम्पैक्ट SUV डेवलप कर रहे हैं, जो कि टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर डेवलप की जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म पर ही टोयोटा की एक और ग्लोबली SUV टोयोटा राइज को भी डेवलप किया गया है। इस SUV को टोयोटा और मारुति सुजुकी दोनों मिलकर डेवलप कर रही है और इसे इंडिया के अंदर 2022 के सेकेंड हाफ तक इसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने की संभावना है। ये जो SUV है ये खास तौर से इंडियन मार्केट के लिए तैयार की जा रही है और इसे इंडिया के अंदर हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से कंपटीशन के लिए ही इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये एक सब कॉम्पैक्ट SUV रहेगी, जिसकी जो लेंथ है वो 4.3 मीटर रहने वाली है। अब बात कर लेते इस गाड़ी के प्राइस एंड फीचर्स और इंजन के बारे में, तो टोयोटा और मारुति सुजुकी दोनों ही इस SUV को डेवलप कर रही है और इसे दोनों ही SUVs अलग अलग नाम से इंडिया के अंदर अपने अपने शोरूम से इंडिया के अंदर सेल करने वाली है। इसका जो डिजाइन रहेगा वो काफ़ी हद तक सेम रहने वाला है, टोयोटा और मारुति सुजुकी के डीलर्स के थ्रू बेची जाएगा इसे। अब बात करें इसके इंजन ऑप्शन की, तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा। साथ साथ इसकी जो प्राइस रहेगी वो इंडिया के अंदर 10 लाख रुपये से शुरू होकर इसके टॉप वेरियंट की जो प्राइस है वो 17 लाख रुपये तक रहने वाली है। अब बात करें इसके लॉन्चिंग के बारे में, तो इसे कंपनी 2022 के सेकंड हाफ या फिर 2022 के फेस्टिव सीजन तक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करेगी। अब दोनों मिलकर इस SUV को डेवलप कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों अपने अपने शोरूम से इसे बेचेगी। दोनों से मिलकर इसके तैयार करने की सबसे खास बात यह है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर बने होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो कम रखी जा सकती है। अगर दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग SUVs डेवलप करती तो उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती। इसी वजह से है कि टोयोटा और मारुति सुजुकी दोनों मिलकर इस SUV को डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। धन्यवाद।